नमस्कार। बाहुबली विधायक के तौर पर जाने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं, फिर चाहे उनकी छवि को लेकर चर्चा हो या फिर वो जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं उसको लेकर बातचीत। इन सब के बीच राजा भैया की संपत्ति को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। दावा किया जाता है कि पिछले 5 सालों में राजा भैया की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। इतना ही नहीं, राजा भैया से अमीर तो उनकी पत्नी है, और तो और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया के बेटे और बेटियां भी लखपति हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको राजा भैया की संपत्ति के बारे में ही बताएंगे। दरअसल राजा भैया की संपत्ति में किस कदर बढ़त हुई है इसका अंदाजा चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे से ही हो जाता। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए ये बताते चले कि राजा भैया कुंडा से 5 बार विधायक रही है। चूंकि वो भद्री राजघराने के वारिस हैं, इसलिए विरासत में भी उनको बहुत सी संपत्ति मिली है। यूपी विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा पेश किया था उसमें बताया गया था कि उनके जुड़वा बेटे और बेटियों के पास कितनी प्रॉपर्टी है। जाहिर है भद्री राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले राजा भैया के पास अचल संपत्ति ज्यादा है। साल 2012 में राजा भैया ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था उस समय उनके पास 1,45,70,757 रुपए थे। साल 2017 में उनकी संपत्ति 14,25,84,083 रुपए हो गई, यानी कि महज 5 साल में उनकी संपत्ति लगभग 10 गुना बढ़ गई। वैसे इतनी संपत्ति बढ़ने का कारण उनको राजघराने से मिली विरासत बताई जाती है। आपको बताते चले राजा भैया की बेटियां भी लखपति हैं। एक बेटी के पास 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति है तो वहीं दूसरी बेटी 15 लाख की मालकिन बताई जाती है। राजा भैया के बेटों के पास भी लाखों रुपए की संपत्ति है। अब बात राजा भैया की पत्नी की कर लेती हैं। उनकी पत्नी भानवी सिंह उनसे भी ज्यादा अमीर है। बताया जाता है कि भानवी के पास 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास लाखों के 2 पिस्टल और राइफल हैं। कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी राजा भैया से ज्यादा है। राजा भैया के पास 2 आम के बाग हैं, 11 एकड़ से ज्यादा एरिया में खेत है। राजभवन के अलावा दिल्ली में उनके फ्लैट भी हैं।